हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड में हर साल कई सारी ऐसे फिल्में बनती हैं जिसे हम बार बार देखना पसंद करते हैं, और इन फिल्मों की बेहतरीन एक्टिंग और स्टोरी के कारण हमारे दिल और दिमाग में छप जाती है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ ऐसे ही कमाल फिल्मों के बारे में जो पिछले साल आई थी और हमारे दिल में और दिमाग में जगह बनाई थी। 10 नंबर पर है कबीर सिंह। कबीर सिंह फिल्म तेलुगु के ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक है। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है, मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर में पढ़ने वाला एक लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले एक लड़की से प्यार करता है, और उस लड़की के पिता किसी और से शादी करा देते हैं, और फिल्म में ट्विस्ट आ जाता है। फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगा, और फिल्म की बेहतरीन लव स्टोरी दिल को छू लेता है। 9 नंबर पर है बाला। इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। बाला फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी पर आधारित है जो 25 साल की उम्र में ही गंजा हो जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस फिल्म से हमें यह सीख मिलता है कि हम जैसे भी हैं खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिल्म में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगा, और फिल्म की बेहतरीन स्टोरी फिल्म से एंड तक जुड़े रखता है। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है। 8 नंबर पर है सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म मर्दानी 2। ये फिल्म 2014 में आई फिल्म मर्दानी का सीक्वल है। इस फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के ऊपर आधारित है, जो कि लड़कियों के किडनैप करके बलात्कार करके हत्या कर देता है। फिल्म में रानी मुखर्जी कमाल के अभिनय करते नजर आने वाले हैं। सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना आपको पसंद है तो आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगा। 7 नंबर पर है सच्ची घटना पर आधारित फिल्म केसरी। ये फिल्म सारागढ़ी लड़ाई को दर्शाता है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों के साथ लड़ाई किया था और अपने देश के लिए बलिदान दिया था। ये फिल्म देशभक्ति का एहसास जगाता है। इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है, और फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा नजर आने वाले हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। 6 नंबर पर है सेक्शन 375। इस फिल्म की कहानी एक रेप केस के इर्द गिर्द घूमती है। एक मशहूर डायरेक्टर जिसपे अंजलि नाम के फैशन डिजाइनर को रेप करने का आरोप लगता है, और ये मामला कोर्ट तक चला जाता है, और ये केस कोर्ट में चलता है तो सोचने पे मजबूर कर देता है कौन सही है और कौन गलत। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगा, और फिल्म की बेहतरीन स्टोरी फिल्म से एंड तक जुड़े रखता है। 5 नंबर पर है गली बॉय। इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के लीड रोल में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कमाल की एक्टिंग करते नजर आएंगे। इस फिल्म में मुंबई में चल में रहने वाले एक लड़के की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे वो गरीबी से निकलकर एक बड़ा रैपर बनता है। दोस्तों, इस फिल्म को ऑस्कर में भी भेजा गया था। ये गली की बारात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में, जा अपनी राख से दूर जा, अब तलाश में परवाज देख परवाने की आसमान। 4 नंबर पर है मिशन मंगल। इस फिल्म में भारत देश का मंगल मिशन प्रोसेस को दर्शाया गया है, अपना भारत देश ने कैसे पहले प्रयास में ही मंगल तक अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा दिया था, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ऐसा करने वाला अपना भारत देश दुनिया का पहला देश बन गया था। फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, श्रवण जोशी नजर आने वाले हैं, और फिल्म को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है। 3 नंबर पर आर्टिकल 15। ये फिल्म संविधान के आर्टिकल 15 के बारे में बताती है, जिसमें समानता के अधिकार के अनुसार जाति, रंग, धर्म, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत देश में सब बराबर हैं। संवेदनशील पर बनी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म में आयुष्मान खुराना की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगा। दो नंबर पर है छिछुरे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने, और फिल्म के स्टार कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी में कॉलेज लाइफ की हसीन लम्बे को दिखाया गया है, और फिल्म की दमदार कहानी और कॉमेडी दिल को छू लेता है। अगर किसी का दिन अच्छा नहीं गया है तो इस फिल्म को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म अपनी स्टोरी और बेहतरीन एक्टिंग के चलते दर्शकों को एंड तक जुड़े रखता है। 1 नंबर पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म की कहानी उरी में हुई इंडियन आर्मी पर अटैक पर बनी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को आदित्य धीर ने डायरेक्ट किया है, और विक्की कौशल की जबरदस्त एक्टिंग फिल्म को बेहतर बना देता है। फिल्म में विक्की कौशल के अलावा यामी गौतम, कीर्ति कुल्लारी नजर आने वाले हैं। पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों, इस लिस्ट में और कौन सी फिल्म होनी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और डिसलाइक कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी कमी पूरी कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।